आप सभी को रेमो का नमस्कार। आप सभी को वर्ष 2021 की हार्दिक शुभकामनाएं। तो एक नए साल का क्या महत्व होता है, क्या मायने होते हैं? तो आप सभी को पता होगा कि सोलर सिस्टम में पृथ्वी सूर्य का एक चक्कर लगा लेती है, तो ये इस पीरियड को एक साल बोला जाता है। बट एक साल का पीरियड काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि ये आपके जीवन का एक सिग्निफिकेंट अंश होता है। अगर हम ये मान लें कि आप 100 साल जिएंगे, नए साल के पहले दिन यही मान के चलेंगे कि हम लोग 100 साल जिएंगे, तो एक साल का पीरियड उस जीवन का, उस लाइफ टाइम का 1% है, जो कि काफ़ी सिग्निफिकेंट पीरियड है। साल 2020 मुश्किल था, सबके लिए मुश्किल था, चाहे वो स्टूडेंट्स हों, चाहे वो बिजनेस ओनर्स हों, चाहे वो हेल्थ वर्कर्स हों, पूरी कंट्री के लिए, पूरे वर्ल्ड के लिए 2020 वॉज ए डिफिकल्ट ईयर। तो आशा यही करते हैं कि 2021 विल बी ए मच बेटर ईयर, चीज़ें नॉर्मल होंगी, बेहतर होंगी, और हम भी एक कमिटमेंट लेते हैं कि 2021 में बेहतर तरीके से रहेंगे, खुश रहेंगे और कोशिश करेंगे कि बाकी लोगों को भी खुश रखेंगे। सो अगर 2020 में आपसे कुछ नहीं हो पाया या इसके पहले सालों में भी आपसे कुछ अच्छा नहीं हो पाया है, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। एक नए रेजोल्यूशन के साथ शुरुआत करते हैं 2021 की और इसको बेहतर बनाने का संकल्प लेते हैं। कमेंट में ज़रूर लिख के बताइए कि 2021 में आपका रेजोल्यूशन क्या है। मेरा रेजोल्यूशन यही है कि मैं अपने स्टूडेंट्स के लिए जितना बेहतर से बेहतर कर सकता हूँ एग्ज़ामों के माध्यम से, वो करता रहूँ, और समय आने पर आपको सारे इनिशिएटिव्स में ज़रूर बताऊँगा। कमेंट में लिख के आप भी बताइए मुझे कि आपके रेजोल्यूशंस क्या हैं। थैंक यू, हैप्पी न्यू ईयर आप सभी को।